तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच विवाद अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। ऐश्वर्या राय अब खुलकर मैदान में उतर गई हैं। वह आज अपने पिता और लालू प्रसाद के संगी चंद्रिका राय के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। ऐश्वर्या राय अपने माता पिता और वकील के साथ एक ही गाड़ी से पटना सिविल कोर्ट पहुंची। गाड़ी से उतरते समय ऐश्वर्या डरी हुई दिख रही थी। उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सुरक्षा कर्मियों से घिरी हुई ऐश्वर्या काफी परेशान दिख रही थी। तेज प्रताप ऐश्वर्या राय के बीच तलाक प्रकरण में तब नया मोड़ आया जब ऐश्वर्या ने तेज पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर गांजा पीने का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट से खुद के लिए सुरक्षा की भी मांग की। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। फैमिली कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। अपनी शिकायत में ऐश्वर्या ने कहा, शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ड्रग लेते हैं। ड्रग के नशे में वे अलग अलग ड्रेस में खुद तैयार होकर भगवान शिव का अवतार होने का दावा करते हैं। अपनी शिकायत में ऐश्वर्या ने कहा कि वह राधा और कृष्ण की तरह ड्रेस पहनते हैं। शादी के बाद मुझे पता चला कि वह देवी और देवताओं की तरह ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस बारे में अपने ससुराल वालों को बताने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। ऐश्वर्या ने कहा, मैंने इस बारे में अपनी सास राबड़ी देवी और ननद से भी बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि तेज आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर तेज प्रताप के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। गौरतलब है कि तेज प्रताप के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने तलाक की अर्जी पर कहा था, वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तेज प्रताप यादव की तरफ से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। उधर तेज प्रताप ने कहा था, मैं घुट घुट कर जी रहा था, आखिर कब तक ऐसे चलता। उन्होंने यह भी कहा था, मैंने शादी के वक्त भी अपने माता पिता को बताया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। हमारी जोड़ी बेमेल है। मैं साधारण आदतों वाला एक साधारण इंसान हूँ। वह मॉडर्न महिला है, दिल्ली में पढ़ी है और उसी तरह की लाइफ स्टाइल पसंद करती है।